देश के बड़े मौलानाओं और प्रशासन के द्वारा लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेताओं ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मोनिका भारद्वाज, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अल्पसंख्यक के चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी समेत कई लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी। बता दें, कोरोना की वजह से इस मस्जिद के अंदर सिर्फ 7 लोग ही नमाज अदा की है और बाकी लोगों ने अपने घर पर ही नमाज अदा की है। बधाई देना चाहता हूँ ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह भैया आपके आपके परिवार को इस ईद की ईद पे तरक्की दे और सेहतमंद रखे, हर बीमारी से दूर रखे और आप लोग हमेशा खुश रहो। आपको बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक हो। ये आज हमारे ईद की नमाज जो है मेरे छत पे मेरी फैमिली के साथ, हमने फैमिली के साथ ईद की नमाज पढ़ी और जमात बनाई। मेरे भतीजे ने नमाज पढ़ाई बहुत अच्छी करके, लेकिन छतों पे से जब हमने देखा तो बहुत इतना प्यारा माहौल लग रहा था कि हर हर परिवार अपनी अपनी छतों पे जमात से नमाज पढ़ रहा था। ये भी एक नई चीज देखने को मिली। आज ईद उल फितर का दिन है और हमारे मुल्क के हालात में जैसा कि सभी को मालूम है, कोरोना फैला हुआ है और उस बीमारी से बचने के लिए लोगों ने अपने आप को जो है सोशल डिस्टेंस बनाया हुआ है। इसी वजह से हमारे यहाँ भी जो है हर साल जो है ईद उल फितर की नमाज आती है और लोग जो है शरीक होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इस बीमारी की वजह से लोगों ने इस साल अपने अपने घरों में नमाज पढ़ी है और दूरी बनाए रखी है। इंदरलोक की मक्की जामा मस्जिद में जो है सिर्फ 7 आदमियों ने जो है अंदर नमाज पढ़ी है, जो लोग अंदर रहते हैं। पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। आज जैसा कि हमने अपील भी करी थी तो लोगों ने पूरी तरह से उसका लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और सबने घरों में नमाज करी है। सुरक्षा के लिए हमने पूरे पुख्ता इंतजाम किए थे दिल्ली पुलिस ने और लोगों का बहुत कोऑपरेशन रहा। हमारा ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस बीमारी की चपेट में आ गया है, तो जिस तरीके से हम जितना यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करेंगे वो उतना ही हमारे लिए सेफ्टी के लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छा है, और हम नहीं करेंगे तो इस बीमारी में मुबतला होंगे। आज इसी के कारण ये सारी वजूहात हो चुकी है कि भाई आज ईद का मौका है, खुशी का मौका है, लोग एक दूसरे से मिलते थे, बड़ी तादाद में नमाज होती थी, आज वो सब कुछ नहीं हुआ है। सादगी के साथ ईद मनाइए और सभी लोगों ने, तमाम लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, सबने घर में नमाज अदा की है।